नमस्कार, देख रहे हैं जम्मू तभी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टीज अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं और उम्मीदवारों की घोषणा भी हो रही है। ऐसे में अब शिवसेना भी इस बार चुनावी मैदान में है। आज उनकी तरफ से भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई और महिला को भी इसमें एक जगह जो है वो इसमें दी गई है। और जम्मू वेस्ट जो है उनकी उम्मीदवार मीनाक्षी शिब्बर होंगी जो इस समय हमारे साथ हैं। साथ साथ मैनिफेस्टो को भी आज जारी किया गया है। मीनाक्षी जी, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। मीनाक्षी जी, शिवसेना की तरफ से आज जो मैनिफेस्टो तो जारी किया गया है और आपको उम्मीदवारी दी गई है जम्मू वेस्ट से, क्या मुद्दे लेकर जनता में जाएंगे? देखिए, सबसे पहले मुद्दे हमारे यही रहेंगे, निशुल्क बिजली पानी को लेकर, जो कि यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन बिजली को बंद कर दिया जाता है। हमने निशुल्क बिजली पानी को लेकर किया है। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की, उनकी देख लीजिए, उनकी शिक्षा को देख लीजिए, चाहे उनकी सेहत को देख लीजिए उन पर, और आए दिन महिलाओं के साथ कितना कितना कुछ हो रहा है। हम इन मैनिफेस्टो के ऊपर अपना पूरा जोर शोर से लगाकर उनको करेंगे। तो क्या चुनाव के मैदान में कोई अलायंस देखने को मिलेगा शिवसेना की तरफ? जी नहीं, इस बार हम अपने बलबूते पर शिवसेना इलेक्शन लड़ेगी और हर सीट से लड़ेगी। और देखिए, जैसे हम एक शिव सैनिक है, हमें बाला साहब ठाकरे ने यही सिखाया है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम भी यही निष्ठा के साथ अपने प्राण त्याग देंगे मगर एक भी वचन से पीछे नहीं हटेंगे। तो इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, कांग्रेस है, नेशनल, जिनको एक्सपीरियंस है चुनाव लड़ने का, और आपके सामने भी जब जम्मू वेस्ट के जब एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है और बड़ी अहम है, निर्वाचन क्षेत्र है यहाँ पर और काफी बड़ा निर्वाचन क्षेत्र भी रहा है, अनुभवी यहाँ पर नेता होंगे चाहे वो बीजेपी के होंगे, क्या ऐसे के बीच में आप मुकाबला कर पाना इतना आसान रहेगा क्या? देखिए, मुकाबले में उतरना भी बहुत बड़ी बात होती है और महिलाएं किसी से भी पीछे नहीं है। कहते हैं ना, महिलाएं जो है हर कंधे से कंधा मिलाकर हर पुरुष के साथ काम कर सकती है। तो फिर विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, उन्हें पीछे क्यों किया जाए? महिलाएं आगे आएंगी, महिलाएं अपना दिखाएंगी कि महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। और कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, आम जनता, आम पब्लिक हमें सपोर्ट कर रही है। उनका कहना है कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, हम आपके साथ हैं, तो इसलिए मैं उनकी सबकी राय लेकर उतरी हूँ। तो जनता तक पहुंचना इतना वाकई में आसान रहता है जब इतने बड़े बड़े नेता जब मैदान में उतरते हैं, इनके बड़े बड़े नेता जो है बाहर से आएंगे प्रचार के लिए, तो क्या वाकई में इजी रहता है? नहीं, इजी वाली बात नहीं है। हमारे बाहर से नेता जो हैं महाराष्ट्र से आएंगे। देखिए, महाराष्ट्र से जितने भी हमारे आएंगे भी वो यहाँ पे प्रचार करेंगे हमें लेकर। और शिव सैनिकों ने देखो, मराठी महाराष्ट्र में मराठियों को हक दिलाया और जम्मू की बात आई है तो हम जम्मू में डोगरों को डोगरी हक दिखाएंगे। आपने मैनिफेस्टो जारी किया है, स्टेटहुड की आपने बात जरूर की है जो दिया गया था, लेकिन 370 भी बड़ा अहम मुद्दा है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको अपने मैनिफेस्टो में रखा है, कांग्रेस ने अभी इस पर कुछ कहा नहीं। शिवसेना का क्या रहेगा? क्या 370 को वापसी लेने के लिए भी कोई प्रचार का जो है इसमें इस्तेमाल होगा? अब हमने 371 की बात की हुई है, 370 तो छोड़ो, 371 की बात की हुई है और 371 हमें मिल जाए वही काफी है। और उसके साथ साथ कहते हैं ना, यूटी, जब यूटी बना दिया जाए तो टोल नहीं होते। हमारे यूटी बनने के बाद भी हमें जगह जगह टोल देना पड़ रहा है। सबसे पहले हम इन टोलों को भी हटाएंगे यहाँ से। तो महिलाओं के लिए खास तौर पर क्या रहेगा? महिलाओं के लिए खास तौर पर जो कहते हैं 33% का आरक्षण, देखिए उनको आज पुलिस स्टेशन में कहीं भी महिलाओं के लिए खासकर कोई डेस्क नहीं है। महिलाएं अपनी पीड़ा लेकर अपनी बात रखें, किसके साथ रखें? जेंट्स के साथ वो खुलकर बात नहीं कर सकती है महिलाएं। तो मैं चाहती हूँ कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस स्टेशन के अंदर महिलाओं के लिए खास करके डेस्क हो, ताकि महिलाओं अपनी पीड़ा, अपनी कोई भी जो निजी बात जो जेंट्स नहीं कर, वो आराम से उसके साथ कर पाए और उसको वहां से मिल पाए। तो ये मतलब मीनाक्षी शिब्बर है और फिलहाल जो जम्मू वेस्ट से इनको उम्मीदवारी दी गई है और अब देखना होगा कि आखिरकार जनता ने कितना समर्थन करेगी। इसके लिए तो 4 अक्टूबर का इंतजार करना होगा। कैमरामैन नवीन सूदन के साथ ऋचा चन्ना, जम्मू तभी न्यूज़।